पाकिस्तान की मईशत मुसलसल तनजली का शिकार है। मईशत किस रफ्तार से गिर रही है इसका अंदाजा लगाना बज़ाहिर हुकूमत के बस से बाहर हो गया है। मआशी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। एक जानब कमर तोड़ महंगाई है तो दूसरी जानब बैरूनी कर्जों के बोझ ने मईशत की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। IMF की कठिन शराइत ने न सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है बल्कि बिजनेस कम्युनिटी को भी आठ आठ आंसू रुला दिए। शरह सूद, GST और फॉरेन एक्सचेंज रेट में इजाफे ने सनती पहिए को मुंजमिद कर दिया। मुल्की बरामदात और तरसीलात जर की शरह में मुसलसल कमी ने माशी इशारियों को मस्ख कर दिया है। अपने ही मुल्क में सनतकार कारोबार करने से कासिर, जबकि अमन अमान की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल ने भी हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया है। इन तमाम नामसाइद हालात पर बात करने के लिए न्यूज़ वन के खुसूसी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी, माहिर मईशत और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पैटर्न इन चीफ मोसानी, कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन फराज रहमान और साइट एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन रियाजुद्दीन हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, सबसे पहले रुख करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी का जो हमें माशी सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। हमजा बताइए इस वक्त मईशत किस सम्त में जा रही है और माहरीन क्या कहते हैं, इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को जितने सामना आज है इससे पहले कभी नहीं था। तारीख में पहली बार तमाम मसाइल यकजा होकर रियासत के सामने खड़े हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, आईनी बहरान है, मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, अमन अमान की खराब सूरत हाल है। इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए हुकूमत के पास इस वक्त कोई हिकमत अमली नहीं है। तारीख में पहली दफा IMF ने हुकूमत से नया मुतालबा किया है कि स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल तमाम शराइत को पूरा करे। इसी जमन में हुकूमत ने शरह सूद में 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। शरह सूद 17% से बढ़कर 20% हो गई। इसके अलावा डॉलर का एक्सचेंज रेट भी मार्केट में फ्री फ्लोट हुआ, जिसके बाद इंडिया बैंक में डॉलर 285 रुपए 50 पैसे की बुलंदतरी सर पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 290-291 रुपए के सर पर ट्रेड हुआ। IMF की तमाम शराइत को पूरा किया जा रहा है। 180 अरब रुपए के नेट टैक्सेस हाइक कर दिए गए। GST की शरह 17% से इंक्रीज करके 18% कर दिए। 1% GST की शरह में इजाफे से हुकूमती खजाने को सालाना 800 अरब रुपए का फायदा होगा, लेकिन क्या हुकूमत इन 800 अरब रुपए का सही इस्तेमाल कर सकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। IMF प्रोग्राम के बावजूद भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर सर्वाइव करने के लिए 5 अरब डॉलर दरकार होंगे, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जखायर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कम होंगे, क्योंकि अप्रैल में पाकिस्तान को इंटरनेशनल बॉन्ड की मद में 1 अरब डॉलर अदा करने हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट भी ऑल टाइम हाई जाने की तवक्को है। 1973 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 38.75% गया था, जो तारीख की बुलंदतरीन सतह है। आज महंगाई 32% पर ट्रेड हो रही है और एक आम आदमी को ग्राउंड रियलिटी पर 40% महंगाई का सामना है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यह है कि ना ही पाकिस्तान लोकल करेंसी में अपने कर्ज अदा कर सकता है, ना ही फॉरेन करेंसी में। इसी जमन में पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है। सोवरेन डिफॉल्ट से पाकिस्तान सिर्फ 3 कदम दूर है। इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए मुतादिद मल्टीनेशनल कंपनीज अपना ऑपरेशन बंद कर चुकी है। अमेरिकन कंपनी एली लिली फार्मा ने अपनी डायबिटिक इंसुलिन पाकिस्तान में बंद कर दी है। फ्रांसीसी कंपनी सनूफी ने भी लोकल मार्केट में अपने शेयर एडजस्ट कर लिए हैं। जर्मन कंपनी बायर भी अपने शेयर्स को लोकल मार्केट में फरोख कर चुकी है। ऑटो सेक्टर भी इस वक्त तबाही के दाने पर है। प्रोडक्शन सिर्फ 40% पर आ गई है। डबल शिफ्ट की जगह पे सिंगल शिफ्ट पे काम जारी है। जनवरी 2023 में मुल्क भर में सिर्फ और सिर्फ 12,000 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी एजेंसी को खत लिख दिया था, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। बिजनेस कम्युनिटी वैसी शरीर परेशान है, मुल्क में सरहदों का पहिया जाम है, तहफ़ फराम किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों कराची के अंदर KP ऑफिस में दहशतगर्दी के हमले ने सरहदकारों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इसी जमन में कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सिक्योरिटी इदारों को खत लिखा था और अपने तहफ़ात का इजहार किया था। मजमुई तौर पर पाकिस्तान का कर्जों का हजम 51,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। सिर्फ 11 माह में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 7 बार मनफी हुई। सिर्फ 11 माह में पाकिस्तान में इंटरबैंक में डॉलर 103 रुपए इजाफे से बुलंदतरीन सतह पर रिकॉर्ड हुआ। 11 माह में पाकिस्तान का मजमुई कर्जों का हजम रिकॉर्ड सतह तक बढ़ गया। 1 डॉलर बढ़ जाने से मजमुई कर्जों में 200 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। हमने देखा कि गुज़िश्ता महीने हमारी एक्सपोर्ट 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रही,
जो फरवरी 2022 के मुकाबले में 19% कम है। फरवरी 2022 में हमारी एक्सपोर्ट 2 अरब 80 करोड़ डॉलर थी और पिछले महीने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। फॉरेन रेमिटेंसेज में हमारे काफ़ी कमी हुई, 2 बिलियन डॉलर से घटकर हमारी रेमिटेंसेज 1.8 बिलियन डॉलर पर आ गई। मजमूई तौर पर हम एक्सपोर्ट में भी पीछे जा रहे हैं और रेमिटेंसेज की शराह भी मुसलसल कम हो रही है। किसी भी मुल्क में अगर GDP 7% से कम होगी तो उस मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी की शराह में मुसलसल इजाफा होगा। इस वक्त पाकिस्तान की GDP 2% से भी गिर चुकी है। कर्जे रिकॉर्ड सतह पर बढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के हवाले से सूरत हाल है, जो अमन अमान के हवाले से सूरत हाल है, उस पर भी जो कारोबारी तबका है वो तश्वीश का शिकार है। हमजा गिलानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा और अब हम गुफ्तगू करेंगे माहिर मईशत और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब से, जो मुल्की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। शब्बर साहब, ये बताइए कि मुल्की मईशत के इतने बुरे हालात इससे कबल कभी नहीं देखे गए, आप क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं, मुमकिन हल क्या है? पाकिस्तान एक बहुत शदीद मुश्किल में पड़ा हुआ है और वो उस मुश्किल से उसको निकलना है, मगर जो सबसे उसमें परेशानी की बात है कि जो हमारे सियासतदान हैं और जो हमारा आम आदमी है वो उस परेशानी की शिद्दत को महसूस नहीं कर रहा। वो समझ रहे हैं कि ये रेगुलर चीज़ है और ये गुजर जाएगा जैसे पास में गुजरता रहे, ये ऐसा नहीं होगा और ये बहुत कुछ तब्दील करके जाएगा। पाकिस्तान आज के जो सियासी और समाजी और कानूनी ढांचा है इसमें रहते हुए चल नहीं सकता। FBR जो है उसको आप कुछ भी कर लें वो कुछ नहीं कर सकता जब तक माशरा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो टैक्स देना चाहता है। आप दुकानदारों पर जाके टैक्स नहीं लगा सकते, आप जाके छोटी इंडस्ट्री पर टैक्स नहीं लगा सकते, आप जाके ब्लैक मनी को टैकल नहीं कर सकते, आप आर्थिक को टैक्स नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या है? बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं ले सकते तो फिर कैसे टैक्सेशन सिस्टम चल सकता है? पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता है। FBR में आप फरिश्ता भी लाके बिठा दें कुछ नहीं होगा, कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। आयोग के पास तो जा रहे हैं, अगले 5 साल के लिए भी जा रहे हैं और आज नहीं तो कल पाकिस्तानी बैंकों को अपने लोन पर हेयर कट देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ये पाकिस्तानी बैंकर ये समझ रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं इनको वापस मिल जाएगा, ये कभी नहीं मिलेगा। किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमिक कैपिटल होता है ना वो उसके पॉलिटिकल कैपिटल से अलग हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी बुनियाद उसकी आप शक्लें देख लें, एक शक्ल है उसकी बॉम्बे दिल्ली, उसकी दूसरी शक्ल है न्यूयॉर्क वाशिंगटन। क्योंकि आज की दुनिया में जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है वो एट टाइम्स नेगेटिव हो जाता है फॉर ऑपरेशन ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड। तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमेशा से कराची है, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में है आज। तो अगर आप फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कराची को पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल को कराची में ट्रांसफर कर दें तो आज पाकिस्तान के 80% मसले हल हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो कुछ भी आज हो रहा है उनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी प्रिडिक्शन से मुखालिफ है। मैंने December 2021 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये कहा था कि ये मुल्क गोइंग कंसर्न नहीं है, ये मुल्क नहीं चल सकता। आज सारे लोग कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल सकता। मुझे किसी ने बताया कि कराची दुबई की रिटर्न फ्लाइट 8 लाख की है बिजनेस क्लास की, ठीक है, और मुझे ये भी साथ ने बताया कि बिजनेस क्लास की कराची की जो दुबई फ्लाइट जा रही है वो फुल जा रही है, टिकट नहीं मिलता। तो जिस मुल्क के अंदर 8 लाख की दुबई की बिजनेस फ्लाइट पर लोग जा रहे हैं और टैक्स नहीं होता तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं वो तो आप समझें कि वो तो नज़र आ रहा है ना, किसी कोई भी आदमी उठा लें, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या पावर या अपोजिशन में हो। शहबाज शरीफ साहब खुद खड़े होकर अपनी गवर्नमेंट के बारे में कहते हैं ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये तो मतलब सिस्टम तो खुद ब खुद ये तो कम से कम रियलाइजेशन हो चुकी है ना कि सिस्टम नहीं चल रहा। अमेरिका की सपोर्ट कब नहीं आई पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमेशा अमेरिकन सपोर्ट ही आई है और अमेरिकन सपोर्ट से ही बात बनेगी और वही करेंगे, उसमें कोई मुझे तो कोई डाउट नहीं है। बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ थे, अब गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला आबाद मोहसिन शेखानी साहब। मोहसिन साहब, आप ये फरमाइए कि मईशत की सूरत हाल तो हम जान चुके, इस सूरत हाल में जो कारोबारी तबका है उसको किन मसाइल का सामना है, खसूसन तामीर की सनत से मुतालिक जो अफराद हैं उनको किन मुश्किल का सामना? देखिए, बेसिकली जो हालात हैं जब आपके सेंटिमेंट पॉजिटिव ना हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस का आपको पता ना हो, आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस का आपको पता ना हो,
जब डॉलर का कोई रुकना ही ना हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पूरे मुल्क के इंडस्ट्रीज को, पूरे मुल्क के कारोबार को, हर आदमी इफेक्टेड हो रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके डॉलर की कॉस्ट कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। एक प्रोजेक्ट एवरेज प्राइस 3 अरब रुपए का होता है, तो ये सारे प्रोजेक्ट 350 प्रोजेक्ट अभी इफेक्ट हो रहे हैं, और इन सब जगहों पे पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका आप समझे 50% तो प्रोजेक्ट बंद हो गए। 50% प्रोजेक्ट इसलिए बंद हो गए कि जब 3 लाख रुपए का टन सरिया हो जाएगा और 650 वाली सीमेंट 1100 रुपए की हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो जाएगी। अभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन जो 3000 रुपए आ रही थी वो 6000 क्रॉस कर चुकी है, और जिन लोगों ने 7000 रुपए में माल बेचा हुआ या प्रोजेक्ट बेचे हुए वो बना नहीं सकेंगे, तो वो सारे बैंकरप्सी में जाएंगे। जब हम माहौल नहीं देते, हम पॉलिसीज नहीं दे रहे होते, हम इन्वायरमेंट नहीं देते, तो लोग पैसा कैपिटल फ्लाई कर जाता है दुनिया में। आजकल मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ से टर्की बहुत लोग गए, हमारे यहाँ से दुबई बहुत लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ से यूके जा रहे हैं, हमारे यहाँ से यूएसए जा रहे हैं, हमारे यहाँ से कनाडा जा रहे हैं। तो ये लोगों के पास ऑप्शंस है, और वो जहाँ जॉब क्रिएट करते हैं वहाँ लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, बिजनेस कम्युनिटी को हाथों हाथ लिया जाता है। आदमी यहाँ की पॉलिसीज से, लॉ एंड ऑर्डर से, सब चीज़ों से परेशान होता है तो भाग जाता है। पूरी दुनिया में हाउसिंग के लिए एक स्पेशल रेट्स होते हैं, स्पेशल पॉलिसीज होती है। 20% की जो पोजीशन हो गई उसमें तो कहीं भी बिजनेस करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं समझ रहा हूँ कि लास्ट जो 4-6 महीने की कंडीशन है आप समझे 55-60% चीज़ें जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट थी वो बंद हो गई, 90% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जीरो। मतलब कोई एक आदमी पाकिस्तान से बाहर, जो पाकिस्तानी थे जो पैसे हमें भेजते थे, उन्होंने अपनी पेमेंटें रोक दी हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी 4 अरब लोगों की कनेक्टिविटी बाय रोड है। हमारे पड़ोस में इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, CIS कंट्रीज थ्रू, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे पास डिपॉजिट्स हैं गोल्ड की, कोल की, हम एग्रीकल्चर कंट्री है इतने बड़े, और उसके बाद भी हमारा ये हालत। तो मैं समझता हूँ कि कोई स्टैंड ले, और मैं समझता हूँ IMF आपको कभी भी डिफॉल्ट नहीं होने देगी। आप स्टैंड ले, चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करें और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। तामीराती सनत का 50% काम जो है वो बंद हो चुका है, इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे मोहसिन शेखानी। और अब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कार्टी फराजुर रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। फराज साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि मुल्की मईशत जो है वो ICU में है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी, मैं बिल्कुल हमजा साहब आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर तो हम जो है ना वो इसी तरीके से जब तक हम मिलकर 10 साल कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे और जब तक हम बिजनेसमैन को साथ नहीं रखेंगे उस वक्त तक जो है सूरत हाल गंभीर होती चली जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हम है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर फ्लैटों की शक्ल में नहीं रखी हुई, कोई डॉलर अकाउंट हमने बाहर लेके नहीं रखे हुए कि जी हमें जो है वो कोई वहाँ से बेनिफिट आ रहा हो और हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। हमें तो जब डॉलर बढ़ता है तो हम रोते हैं, हमारा एक्सपोर्टर भी इतना मुहिब्बे वतन है कि उसको भी नहीं पसंद कि जी डॉलर बढ़े, क्योंकि आप जो डॉलर बढ़ाते हैं तो उसका जो बायर है वो इतना होशियार है, वो कैलकुलेट करके उतना आपसे डिस्काउंट ले लेता है, तो इसका कोई फ़ायदा एक्सपोर्टर को भी नहीं हो रहा। माजरत के साथ बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर हमें जंगी बुनियादों पर बिजनेसमैन हर वॉक ऑफ लाइफ, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर नहीं बल्कि लेदर सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, तमाम लोगों को मिल बैठकर एक जगह पे एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। बात यह कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बांग्लादेश की मार्केट ओपन है आपके लिए, तुर्की की मार्केट ओपन है आपके लिए, आपके लिए ओपन है इस वक्त वियतनाम आपके लिए ओपन है, और बात यह कि वहाँ ना सिर्फ कंड्यूक्टिव एटमॉस्फेयर है काम करने का बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई पोजीशन नहीं है। डेलीगेशन आया हुआ था UK पाकिस्तान का, वो ऑफर कर रहे हैं कि जी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको गैस देंगे, जी आप आइए इंडस्ट्री लगाइए यहाँ पे। तो बात यह है कि दुनिया भर के लोग ऑफरें करके लेके आ रहे हैं और हमें लेके जा रहे हैं, यानी इसका मतलब है हमें कुछ तो पोटेंशियल था, हमें कुछ तो पोटेंशियल है। सेक्टर वाइज मैं मानता हूँ कि हमारी जो इकनॉमी थी वो बेसिकली ज़रात के ऊपर थी ना, तो ज़रात जो है वो एक इतना बड़ा एक सेक्टर है कि अगर हम ज़रात के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको टैक्स नेट में लेके आए, भले कम टैक्स रखें
भले हम एक एकड़ की काश्वारी कम से कम वो काम तो करेंगे, अभी तो उन्हें देना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, वाइटी हुआ चला जा रहा है। तो बात यह है कि आप उनको भी, ज़रात को भी इसके अंदर लेके आएं, और हमें पता तो चले कि हमारी जो जीडीपी है उसमें ज़रात का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके सामने कि भाई खुदारा इस मुल्क को बचा लें, हमारी आने वाली नस्लों को क्या मिलेगा। खुदारा इस मुल्क को बचाइए, हमारे साथ मौजूद थे फराज़ुर रहमान साहब। और अब हम शामिल करते हैं हमारे अगले मेहमान चेयरमैन साइड एसोसिएशन रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब बताइए, सनतें तबाही के दहाने पर हैं, इन ख्यालात का इजहार किया जाता है, हम सुनते हैं, किस इन तमाम हालात को आप किस जाविये से देखते हैं? हमारे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लार्ज इंडस्ट्रीज़ के को तकरीबन 150 यूनिट जो हैं वो हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक जो हैं मुकम्मल तौर पे क्लोज़ हो चुके हैं, और तकरीबन कोई 225 और 250 यूनिट जो हैं वो पार्शली रॉ मटेरियल्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उनके कई मुख्तलिफ लाइन्स जो हैं वो बंद हुई हैं। और जो सिलसिला जिस रफ्तार से चल रहा है तो ये लगता है कि निसफ से ज़ायद इंडस्ट्री यानी 3,500 में से कोई 1600 या 1700 यूनिट्स जो हैं वो आइंदा महीने, जो कि बड़ा ख़तरनाक बात है कि रमज़ान के महीने में बंद हो जाएंगे। हमारे जो माहिर माशियात हैं उन्होंने पहले ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है, गो कि हुकूमत इसे सरकारी तौर पे तस्लीम नहीं करती, लेकिन उसके तस्लीम करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत और मुल्क और रियासत जो है वो अमलन डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। फूड इनसिक्योर हो गए हैं हम, फ्यूल इनसिक्योर हो गए हैं हम, फॉरेक्स इनसिक्योर हो गए हैं, तो अब हमारे पास उनको सिक्योरिटी देने का या हुकूमत के पास और कौन सा जरिया रह गया है? रॉथचाइल्ड बैंक, जिनका के अपना एक मखसूस दुनिया में रेपुटेशन है, वो पाकिस्तान में वारिद हो गए गुज़श्ता हफ्ते, और जब वो पाकिस्तान में आए तो इसके बारे में कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई कि जब हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनकी शराइत पूरी कर रहे हैं तो फिर ये एक और लेंडर किन अज़ाइम के तहत पाकिस्तान आए हैं, और इनकी शराइत क्या हैं जिनके ऊपर क्या कोई कर्ज़ा नेगोशिएट किया जा रहा है, या इनके कुछ और मकासद तो अज़ाइम हैं जिससे कि हमारी कौम को खुदा न खास्ता मज़ीद धचका लगना है। तो ये बड़ी पुरअसरार एक डेवलपमेंट है जो हमारे लिए मुल्क के लिहाज से और बिज़नेस कम्युनिटी के लिहाज से न सिर्फ बाइस से तशवीश है, बल्कि इसने मज़ीद कारोबारी एनवायरनमेंट को जो है वो टार्निश और दागदार कर दिया है। टीडैक केल में भी है, वो जो डेस्टिनेशंस हैं जहां ये फ़्लाइट ऑफ कैपिटल अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम पाकिस्तान टू हो रहा है वो है श्रीलंका, तुर्की, बांग्लादेश और वियतनाम। रियासत अमलन डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फराजुर रहमान साहब, मोहसिन शेखानी साहब, साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने मईशत पर गुफ्तगू की। हमजा गिलानी हमारे नुमाइंदे, आपका भी शुक्रिया।